नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। मुख्यमंत्री सुबह सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद मुख्यमंत्री ने देश के वैज्ञानिकों का धन्यवाद दिया और लोगों से अपील की कि सभी लोग जो टीकाकरण के लिए एलिजिबल है वे वैक्सीन जरूर लगवाएं। सीएम योगी ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दोबारा संक्रमण बढ़ने की वजह लापरवाही है, लोगों ने सामाजिक दूरी का अनुपालन बंद कर दिया। सीएम योगी ने सभी से अपील की है कि टीका लगवाने के बाद भी सावधानी बरतें और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाने के लिए बांदा पुलिस की एक टीम वज्र वाहन के साथ रवाना हो गई है। पुलिस के साथ मेडिकल टीम भी रवाना हुई। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बांदा जेल में भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। मुख्तार अंसारी आईजी की देखरेख में पंजाब से लाया जाएगा। मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर विभिन्न शहरों की पुलिस की ओर से सड़कों पर नाकेबंदी कर दी गई ताकि मुख्तार अंसारी को ट्रैफिक की वजह से कोई दिक्कत ना हो। प्रयागराज में अतीक अहमद के शार्प शूटर के खिलाफ कार्रवाई। शार्प शूटर जुल्फिकार की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश। अवैध संपत्ति पर डीएम ने कार्रवाई करने का जारी किया आदेश। कई संपत्तियों को चिन्हित कर रिपोर्ट भेजकर डीएम से मांगी थी अनुमति। डीएम ने जुल्फिकार के 17 जमीनों को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। 25 अप्रैल तक जमीनों को कुर्क करने के बाद डीएम को भेजनी होगी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में चंदौली का लाल शहीद हो गया। शहीद धर्मदेव 2013 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। उनके दो बेटियां हैं। डीएम और एसपी ने शहीद परिवार से मुलाकात की। जिलाधिकारी का कहना है कि सीएम ने 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। साथ ही एक सड़क का नाम शहीद के नाम पर रखा जाएगा। अयोध्या के वीर सपूत राजकुमार यादव बीजापुर सुकमा में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। वह वीर सपूत राजकुमार यादव कोबरा 210 के कमांडो थे। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और एसएसपी शैलेश पांडे ने शहीद के परिवार से मुलाकात कर शहीद के परिजन को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी और शहीद के नाम पर उनकी मोहल्ले की रोड किए जाने की घोषणा की है। नक्सली हमले में घायल जवानों से मिलने के लिए गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे। गृहमंत्री अमित शाह ने चक्तलपुर के पुलिस लाइन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। देश में बढ़ते कोरोना के बावजूद एनसीआर में कुछ लोग ऐसे हैं जो गैर जिम्मेदार हैं। ये लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे। कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने वाले ऐसे लोगों पर कल गाजियाबाद जिलाधिकारी ने चालान की कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं, लेकिन इन्हें किसी का डर नहीं है। लखीमपुर खीरी ने कोरोना को लेकर नेपाल ने जारी किया आदेश। नेपाल ने अपने लोगों के लिए लगाई पाबंदी। लखीमपुर खीरी में कोरोना को लेकर अलर्ट। अब कोरोना रिपोर्ट के बिना अपने देश नहीं जा सकेंगे नेपाली। सीमा में दाखिल होने से पहले दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट। गोरखपुर गीता प्रेस के अध्यक्ष और सनातन धर्म की प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण के संपादक राधेश्याम खेमका का हुआ निधन। 87 साल में खेमका ने वाराणसी के केदारघाट स्थित अपने आवास पर ली अंतिम सांस।
मथुरा में पानी को लेकर महिलाओं में युद्ध हो गया। महिलाओं की मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है, जिसमें सरकारी नल से पानी भरने के नंबर को लेकर दो महिलाएं आपस में भिड़ गईं। बिजनौर में पुलिस ने शराब माफियों के खिलाफ की कार्रवाई। 547 लीटर कच्ची शराब और उपकरण के जब्त। पुलिस ने एक शराब माफियों को किया गिरफ्तार। जंगल में बनाई जा रही थी कच्ची शराब। लखनऊ पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल। वाइन शॉप में लूट करके भाग रहे थे सभी बदमाश। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। इंदिरा नगर थाना इलाके का मामला। लखनऊ घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। मेरठ पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 25,000 का इनामी शराब तस्कर घायल। 3 शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। घायल तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए शराब तस्कर पर दर्ज 31 मुकदमे। पुलिस ने कार, तमंचा, कारतूस, मौके से किया बरामद। ब्रह्मपुरी थाना इलाके का मामला। भदोही में कार और गेहूं काटने वाली मशीन में टक्कर। हादसे में कार में सवार 2 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उंज थाना इलाके का मामला। कानपुर में दबंगों ने व्यापारी के साथ मारपीट कर उसके ऊपर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने उनमें से एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही एक स्कूटी भी पुलिस उठाकर थाने ले गई। वहीं फायरिंग की सूचना पर डीसीपी, एसीपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच में जुट गए। मामला काकादेव थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर का है। गुना में गेहूं के खेत में लगी आग। 3,000 बीघा की गेहूं की फसल जलकर राख। किसानों की मेहनत की फसल धुंध धुंध कर चली। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। सूचना के बाद देर से पहुंची फायर ब्रिगेड। खुडारे थाना इलाके का मामला। देवरिया में गेहूं के खेत में लगी आग। 100 बीघा से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर राख। कई गांव में गेहूं की फसल जलकर राख। आग लगने से किसानों को लाखों का नुकसान। सीतापुर में दुकानों और झोपड़पट्टी में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के चलते दुकानें, झोपड़पट्टी में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने से लाखों का नुकसान। गुना में तेजी से फैल रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में मिले कोरोना के 34 नए केस। मुंबई में गोंडा पहुंचे 13 यात्री भी कोरोना संक्रमित। सभी को कोविड हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। पिछले 36 घंटे में 72 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। प्रयागराज में कोरोना का कहर। 24 घंटे में 475 संक्रमित आए सामने। 2 अप्रैल को 296 और 3 अप्रैल को 398 मामले आए सामने। जिले में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। जालौन में भी फूटा कोरोना का बम। 24 घंटे में एक साथ आए कोरोना के 20 नए मामले। जिले में 35 पहुंची सक्रिय मामलों की संख्या। नवंबर के बाद 24 घंटे में आए 20 मामले। गोरखपुर में बढ़ रहे कोरोना मरीजों का आंकड़ा। एक दिन में कोरोना के 114 नए केस। 6 महीने बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस। शहरी क्षेत्र में 60 और ग्रामीण क्षेत्र में 39 नए केस। देश में जानलेवा कोरोना वायरस ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। महामारी शुरू होने के बाद से आज पहली बार एक दिन में संक्रमण के 1,03,558 नए मामले आए सामने। पिछली बार एक दिन में सबसे ज्यादा मामले 16 सितंबर 2020 को दर्ज किए गए थे। तब मामलों की संख्या 97,894 थी, जबकि पिछले 24 घंटे में 778 मौत दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,25,89,067 हो गई है, जबकि अब तक 1,65,101 लोगों की मौत हो चुकी है।
देश में एक्टिव केस की संख्या अब 7,41,830 हो गई है। कल कोरोना में 52,847 लोग ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद देश में ठीक होने के मामले लोगों की संख्या 1,16,82,136 हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 7,91,5,163 डोज दी जा चुकी है। कुल वैक्सीन में 60.19% वैक्सीन 8 राज्यों में लगे हैं। अकेले महाराष्ट्र में ही 9.68% वैक्सीन लगाई गई है। देश में कुल वैक्सीन में से 43% वैक्सीन 5 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में लगी है। महाराष्ट्र में अकेले देश के कोविड-19 के कुल मामलों की 57% मामले हैं और राज्य में दैनिक नए मामलों का आंकड़ा 47,913 तक पहुंच गया। तीरथ सिंह रावत के नए ओएसडी का ऐलान, जगमोहन सुंदरियाल होंगे सीएम तीरथ सिंह रावत के नए ओएसडी, राज्यसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव के तौर पर थे तैनात। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत अपने 2 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर है। आज सुबह मोहन भागवत ने हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में संघ कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। कुंभ मेले के अवसर पर मोहन भागवत ने हर की पेड़ी ब्रह्मकुंड पर गंगा स्नान किया है। पौड़ी गढ़वाल में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल अपने 1 दिवसीय दौरे पर अपने पैतृक गांव पहुंचे। पौड़ी के सकट हाउस में अपने गांव का 1 दिवसीय भ्रमण के दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। शौर्य डोभाल ने कहा कि वे अपने गांव में अपना घर बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर देश के किसी भी हिस्से में रहे, हमारी पहचान और भावनाएं गांव से हमेशा जुड़ी रहेंगी। उत्तरकाशी के जंगलों में भीषण आग, आग लगने से जलकर राख हो रहे वन संपदा, आग लगने से कई जंगली जानवरों की मौत। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिर रहे हैं बड़े बड़े बोल्डर, वन विभाग जंगलों में लगे आग को बुझाने में नाकाम। मार्च की तिमाही में आईपीओ से इकट्ठा हुआ सबसे ज्यादा फंड, 2018 के बाद का सर्वोच्च स्तर। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी मार्केट में काफी ज्यादा लिक्विडिटी है और कंपनियां इसका फायदा उठा रही हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.986 अरब डॉलर घटकर 597.285 अरब डॉलर हो गया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में गिरावट की वजह से कुल मुद्रा भंडार में गिरावट आई है। तेल कंपनियों को डील की समीक्षा करने का आदेश, सरकार तेल कीमतों पर खाड़ी देशों का कार्टेल की पकड़ को कम करना चाहती है, इसीलिए अब अमेरिका, लातिन अमेरिका देशों, अफ्रीका से तेल मांगना चाहती है। दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को बेहद ही रोमांचक मुकाबले में 17 रन से मात दी है। दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के सामने 342 रन का लक्ष्य रखा था और फकर जमा ने 193 रन की पारी खेलकर अकेले ही पाकिस्तान को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया था। सिराज ने ट्विटर के जरिए बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा का शुक्रिया अदा किया है और साथ ही वे तस्वीर शेयर की है। आनंद महिंद्रा ने इस साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज को थार एसयूवी गाड़ी उपहार देने का वादा किया था। पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 22 वनडे जीतने का वनडे रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है।
वाशिंगटन सुंदर ने अपने डॉग का नाम गाबा रखा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन के गाबा में ही सुंदर ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को बड़ा छटका लगा है। उसके सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आईपीएल 2020 में पडिक्कल का प्रदर्शन शानदार रहा था। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती है। इस बार वो वीडियो दीपिका ने शेयर किया है, उसे जो भी देख रहा है वो हैरान हो रहा है। वो इस वीडियो में कैमरे और एडिटिंग की मदद से हर जगह सिर्फ दीपिका ही दीपिका नजर आ रही है। अभिनेत्री शशिकला का 88 साल की उम्र में रविवार दोपहर मुंबई में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रही थी और पिछले कुछ सालों से उन्होंने फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम करना बंद कर दिया था। जरीन खान ने एक नया वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो जिम में अलग अलग वर्कआउट करती दिख रही है। वीडियो में उन्होंने डोंट रश का एक अलग ही वर्जन ईजाद किया है। जुनेलिया का उनके दोस्त कांची कॉल के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों दोस्त कभी कमरे के अंदर, कभी सीढ़ियों तो कभी झाड़जंग डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। अभिनेता गोविंदा कोरोना पॉजिटिव। गोविंदा के बेटे ने कहा कि पापा को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। गोविंदा की पत्नी सुनीता भी 2 हफ्ते पहले कोरोना का शिकार हो गई थी। मीरा राजपूत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की। इस फोटो में उनका ग्लैमरस अंदाज देखने को मिल रहा है। मीरा ने पीच कलर की प्रिंटेड स्कीम ड्रेस पहनी हुई है। फेमस सिंगर बप्पी लहरी हाल ही में कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वहीं उनके बेटे बप्पा लहरी ने उनके हेल्थ के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा उनकी सेहत में सुधार हो रहा है और उम्मीद है कि वे जल्द ही हमारे बीच होंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और सिंगर शिल्पी राज का नया सॉन्ग लॉन्च हुआ है। इस सॉन्ग का नाम मोबाइल कवर है। इस गाने को 3 दिन में 28 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में बढ़ती कोरोना वायरस महामारी और पिछले कई दिनों में कई टीवी और बॉलीवुड सेलेब्स को कोरोना से संक्रमित होने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने फिल्म निर्माताओं के साथ मीटिंग की। मीटिंग में उन्होंने कहा कि वह फिर से लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद क्वारंटीन है। उनकी मां सोनी राजस्थान ने आलिया की हेल्थ अपडेट किया है। उनका कहना है कि आलिया ठीक है और वह अपना ध्यान खुद रख रही है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के बाद फिल्म राम सेतु के लिए काम कर रहे 45 जूनियर आर्टिस्ट भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। सभी कोरोना संक्रमितों को तुरंत क्वारंटीन कर दिया गया है और स्वास्थ्य मदद दी जा रही है।